सो गुड मॉर्निंग गाइस लास्ट टू क्लासेस में हमने मॉडल वैलिडेशन किया था एंड टू एंड और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी सिखाया था कि कैसे हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन से प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालते हैं एंड कैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट से क्रेडिट स्कोर निकालते हैं राइट right. नाउ आने वाली क्लासेज में मैं आपको पूरा स्कोर कार्ड सिखाने वाला हूँ एंड टू एंड तो स्कोर कार्ड्स की डिस्कशन में ना थोड़ा सा बेसिक स्टफ अगर आपको पहले से आता है तो आपको इजी लगेगा तो जैसे कि रिग्रेशन कैसे करते हैं स्कोर्स कैसे निकालते हैं उसके अलावा एक कंसेप्ट होता है डिस्क्रिटाइजेशन अगर आपको डिस्क्रिटाइजेशन के बारे में आइडिया है तो आने वाली क्लासेस आपको ईजी लगने वाली हैं तो मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ डिस्क्रिटाइजेशन के ऊपर क्या कंसेप्ट है डिस्क्रिटाइजेशन का बेसिकली हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि हमारे पास डेटा है जिसमें हमारे पास वाई है विच इज़ द डिफॉल्ट स्टेटस वन मतलब डिफॉल्ट हुआ जीरो मतलब डिफॉल्ट नहीं हुआ हमारे पास बहुत सारे एक्स थे तो अगर मुझे वापस से एक्स को दिखाना है क्या क्या एक्स थे एज ऑफ द बॉरवर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्रीज नंबर ऑफ ईयर इन द जॉब नंबर ऑफ ईयर इन करंट एड्रेस इनकम डेट टू इनकम रेशो क्रेडिट कार्ड डेट अदर डेट राइट ये सारे एक्स हमारे पास थे हम लोगों ने क्या किया लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन किया था तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन करते हुए क्या मैंने एक्स को ट्रांसफॉर्म किया था डिड आई ट्रांसफॉर्म एक्स नहीं मैंने एज इट इज ये एक्स की वैल्यूज ली थी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकाला था बट रियल लाइफ में स्कोर कार्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड डिस्क्रिटाइजेशन राइट डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब क्या होता है नाम से आपको पता लग रहा है कि हम लोग एक्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू डिस्क्रीट बिन्स एक्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू डिस्क्रीट बिन्स तो डिस्क्रिटाइजेशन में क्या स्टेप्स होते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं स्टेप नंबर इज स्टार्ट विद टू बिन्स से विद इक्वल फ्रीक्वेंसी इन ईच बिन हम लोग क्या करेंगे हम लोग फिफ्टीन टू ट्वेंटी बिन्स बनाएंगे एंड वो फिफ्टी टू ट्वेंटी बिन्स किस तरीके से बनाएंगे such that each bin has almost equal number of observations. तो so let me show you ये कैसे हम लोग create कर सकते हैं मेरे पास वही data है यहाँ पर age, education, employment, address, income, debt to income ratio. मैं यहाँ पे 20 bins बनाने वाला हूँ तो मैं उसके लिए Excel का एक add in use कर रहा हूँ ठीक है add in use कर रहा हूँ तो I am saying QRS, QRS dot bin dot equal frequency तो कि मैंने आपको क्या बोला आपको 15, 20 बिन्स किस तरीके से बनाने कि हर एक बिन में ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो राइट right? तो आई एम चूजिंग दिस मुझे एक्स देना है तो सपोज मैं बिन्स क्रिएट कर रहा हूं फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएबल एज तो मुझे एज कॉलम को सेलेक्ट करना है कॉमा वाई मेरा क्या है डिफॉल्ट स्टेटस एंड नंबर ऑफ बिन्स सपोज आई एम टेकिंग ट्वेंटी नंबर ऑफ ट्वेंटी तो अभी यहाँ पे रन होगा हमारे पास बिन्स आ जाएंगे बिन्स आ जाएंगे हमारे पास इट्स स्टिल रनिंग राइट रन हो गया तो आप यहां पर देखो आपके पास क्या है ट्वेंटी बिन्स आ गए एज लेस देन नाइनटीन एज ग्रेटर देन इक्वल टू नाइनटीन लेस देन ट्वेंटी एज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वेंटी लेस देन ट्वेंटी वन तो वो ट्वेंटी बिन्स कैसे आए सच दैट ईच बिन हैज ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हो गे हर एक बिन में जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल एग्जैक्टली इक्वल इक्वल पॉसिबल नहीं है ऑलमोस्ट होंगे तो आपको इस तरीके से डिस्क्रिटाइज करना है मतलब अपने एक्स की वैल्यूज को न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिस्क्रीट बिन में कन्वर्ट करना है उसके बाद आप क्या करोगे यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ गुड्स एंड द नंबर ऑफ बैड्स इन ईच बिन उंट द नंबर ऑफ गुड्स एंड द नंबर ऑफ बैड्स इन ईच बिन यहां पर ये यह जो मैंने यूज किया, जो एड इन का फंक्शन यूज किया उसने ऑटोमेटिकली मुझे नंबर ऑफ गुड्स नंबर ऑफ बैड्स दे दिए मेरे डेटा में कितने गुड्स थे मेरे डेटा में बैड्स है थ्री ट्वेंटी नाइन तो गुड्स कितने होंगे नाइन जीरो वन माइनस थ्री ट्वेंटी नाइन राइट बिकॉज जो जीरो है वो क्या है मेरे गुड्स एंड जो वंस है वो क्या है बैड्स तो वंस हमारे 329 है तो 329 टोटल बैड्स है एंड 901 जीरो ट्वेंटी टोटल गुड्स है तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं इक्वल टू सम समीज आर टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड दीज आर टोटल नंबर ऑफ बैड्स इन द डेटा तो मेरे पास हर एक बिन में कितने गुड्स है कितने बैड है वो ऑटोमेटिकली इस एड इन ने मुझे दे दिया राइट right? अल्टीमेटली मुझे करना क्या है मुझे स्टार्ट करना है 15-20 से और वो 15-20 बिन इस तरीके से बनाओ कि हर एक बिन में ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो फिर आपको क्या करना है आपको काउंट करना है नंबर ऑफ गुड्स एंड नंबर ऑफ बैड्स फॉर ईच बिन तो वो मैंने यहाँ पर कर दिया बाई यूजिंग दिस एड इन आप इसको मैन्य भी कर सकते हो मैंने ऊपर में मैन्युअली भी किया है तो आप काउंटिव फंक्शन यूज कर सकते हो काउंटिव फंक्शन फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने काउंटिव फंक्शन में क्या किया आई एम काउंटिंग द नंबर ऑफ ठीक है है जिनका जो एज दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन ट्वेंटी एंड जिनका स्टेटस इज जीरो बिकॉज मैं गुड्स को काउंट कर रहा हूं फिर यहां पर मैं क्या कर रहा हूं आई एम काउंटिंग द नंबर ऑफ बोरोस जिनका एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू नाइनटीन लेस देन ट्वेंटी एंड द स्टेटस इज वन तो ऐसे आप हर एक बिन में काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ गुड्स एंड नंबर ऑफ बैड्स राइट उसके बाद आपको क्या करना है यू हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज गुड एंड परसेंटेज बैड फॉर इच बिन परसेंटेज गुड कैसे निकलेगा नंबर ऑफ गुड्स फॉर दैट बिन डिवाइड बाय टोटल गुड्स इन द डेटा नंबर ऑफ गुड्स फॉर दैट बिन डिवाइड बाय टोटल गुड्स इन द डेटा

मैंने काउंट कर लिया नंबर ऑफ गुड्स एंड नंबर ऑफ बैड्स इन ईच बिन मेरे टोटल क्या करना है परसेंटेज गुड्स कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ गुड्स इन दैट बिन बाय टोटल नंबर ऑफ गुड्स राइट यहां मैंने क्या किया नाइनटीन डिवाइड बाय फाइव सेवेंटी वन नेक्स्ट सेवनटीन डिवाइड बाई 571. Next 16 नेक्स्ट by डिवाइड तो आपके पास परसेंटेज गुड्स आ गए हर एक बिन में उसी तरह से आपको परसेंटेज बैड्स निकालने हैं. परसेंटेज बैड्स कैसे निकालने हैं? नंबर ऑफ बैड्स फॉर दैट बिन डिवाइड बाय टोटल बैड्स राइट तो उसको भी निकाल देते हैं परसेंटेज बैड्स कैसे निकाला 26 बाय 329 देन 25 बाय 329 क्स्ट ट्वेंटी टू बाइजेशन करने के लिए वी विल यूज वेट ऑफ एविडेंस टेक्निक वेट ऑफ एविडेंस हम लोग एक नंबर कैल्कुलेट करेंगे विच इज कॉल्ड वेट ऑफ एविडेंस वेट ऑफ एविडेंस का फॉर्मूला क्या होता है एल एन ऑफ टेज गुड्स बाय परसेंटेज बैड्स एल एन ऑफ परसेंटेज गुड्स बाई परसेंटेज बैड्स आपको वेट ऑफ एविडेंस को सोचना है एज अ क्रेडिट स्कोर थिंक ऑफ वेट ऑफ एविडेंस एज अ क्रेडिट स्कोर राइट अगर किसी बिन में परसेंटेज ऑफ गुड्स इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ बैड्स तो यह रेशो क्या आएगा वन रेशो क्या आएगा वन व्हाट इज लॉग वन व्हाट इज एल एन ऑफ वन जीरो तो आपका डब्ल्यू ओ जीरो आएगा इसका मतलब आपका क्रेडिट स्कोर इज जीरो इनकंक्लूसिव अगर किसी बिन में परसेंटेज गुड्स इज इक्वल टू परसेंटेज बैड्स तो आपका एल एन ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो डब्ल्यू ओ जीरो आएगा इसका मतलब आपका क्रेडिट स्कोर जीरो है अगर किसी बिन में गुड्स इज ग्रेटर देन बैड्स मतलब परसेंटेज गुड्स इज ग्रेटर देन परसेंटेज बैड्स तो आपका डब्ल्यू पॉजिटिव आएगा मतलब क्रेडिट स्कोर क्या है पॉजिटिव है क्रेडिट स्कोर क्या है पॉजिटिव और पॉजिटिव होना भी चाहिए बिकॉज अगर कोई बॉरोवर ऐसे बिन में लाए कर रहा है जहां गुड्स ज्यादा है बैड से इसका मतलब उस बॉरोवर का डिफॉल्ट के चांसेस लो है तो उसका क्रेडिट स्कोर हाई होना चाहिए तो क्रेडिट स्कोर विल बी पॉजिटिव इसको आप बेस क्रेडिट स्कोर सोच सकते हो जीरो बट जिस बिन में परसेंटेज गुड्स इज ग्रेटर वहां पर डब्ल्यू ओ पॉजिटिव आएगा और आपका क्रेडिट स्कोर पॉजिटिव होगा सिमिलरली अगर किसी बिन में परसेंटेज बैड्स इज ग्रेटर तो आपका डब्ल्यू ओ नेटिव आएगा राइट right? तो इसका मतलब आपका क्रेडिट स्कोर नेगेटिव है और क्रेडिट स्कोर नेगेटिव होना भी चाहिए बिकॉज अगर कोई बोरोवर ऐसे बिन में लाए कर रहा है जहां बैड ज्यादा है गुड्स से इसका मतलब उस बोरो के, के चांसेस आई हाँ है तो उसका क्रेडिट स्कोर लो होना चाहिए राइट तो आपको डब्ल्यू को सोचना है एज अ क्रेडिट स्कोर तो लेट मी शो यू यहां पर मैंने क्या किया किया, है, WOE कंप्यूट है. कैसे? ऑफ परसेंटेज गुड्स बाई परसेंटेज बैड्स तो आपको दिख रहा होगा किसी किसी बिन में हमारे डब्ल्यू ओज नेगेटिव है किसी किसी बिन में डब्ल्यू पॉजिटिव है राइट तो नेगेटिव कहां पर है ध्यान से देखो नेगेटिव कहां पर है जहां पे परसेंटेज बैड्स इज ग्रेटर देन परसेंटेज गुड्स राइट पॉजिटिव कहां पर है जहां पे परसेंटेज गुड्स इज ग्रेटर देन परसेंटेज बैड्स राइट तो यू हैव टू थिंक ऑफ डब्ल्यू एज अ क्रेडिट स्कोर इफ परसेंटेज गुड्स इज ग्रेटर देन परसेंटेज बैड्स तो डब्ल्यू पॉजिटिव इसको आप स्कोर ही समझो कि हम स्कोर कितना दे रहे हैं 1.5 यूनिट्स 1.5 यूनिट्स का पॉजिटिव स्कोर दे रहे हैं तो स्कोर पॉजिटिव होना भी चाहिए ना बिकॉज एक अगर इस सजेस्ट कर तो करता है दिख रहा है कि इस बिन में परसेंटेज गुड्स इज मोर देन परसेंटेज बैड्स तो अगर इसका डिफॉल्ट का चांस लो है तो उसका क्रेडिट स्कोर पॉजिटिव होना चाहिए और हाई होना चाहिए सिमिलरली अगर कोई इस बिन में लाए करता है इस बिन में तो डेटा सजेस्ट करता है कि जो इस बिन में लाए करता है उसमें तो उसका क्रेडिट स्कोर नेगेटिव होना चाहिए राइट इफ वी आर टेकिंग जीरो एज अ बेंच तो अच्छे बॉरोवर्स का क्रेडिट स्कोर पॉजिटिव होगा खराब बॉरवर्स का हाई मैग्निट्यूड ऑफ WOE इंडिकेट्स क्रेडिट स्कोर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय बिग अमाउंट अगर मैं खाली मैग्निट्यूड देखू मैग्नीट्यूड इंडिकेट्स क्रेडिट स्कोर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय बिग अमाउंट अ लो मैग्नीट्यूड इंडिकेट्स क्रेडिट स्कोर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय स्मॉल अमाउंट राइट तो यहां पर आपको डब्ल्यू की अलग अलग वैल्यूज दिख रही होंगी मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो जहां पे मैग्नीट्यूड हाई है पॉजिटिव या नेगेटिव वहां पर बोलना चाह रहे हैं कि क्रेडिट स्कोर ज और डिक्रीज बाय बिग अमाउंट राइट एंड जहां पर मैग्निट्यूड लो है वहां बोलना चाह रहे हैं क्रेडिट स्कोर शुड इंक्रीज और डिक्रीज बाय स्मॉल राइट तो ऐसे आपको हर एक बिन में डब्ल्यू कंप्यूट करना है तो आपने क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म कर लिए पहले जब आपने लॉजिस्टिक रिग्रेसन किया था लास्ट क्लास में आपने डायरेक्टली वाई को रिग्रेस किया था एक्स के साथ हम लोग बोल रहे हैं स्कोर कार्ड में एक बहुत पॉप्युलर टेक्निक है विच इज कॉल्ड डिस्क्रिटाइजेशन डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब क्या होता है हम लोग एक्स के साथ काम करने के बजाय डिस्क्रीट बिन में उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है सबसे पहले यू हैव टू 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 स्टार्ट विद 15 20 वो 15 20 20 वो आपको इस तरीके से लेने हैं कि हर एक बिन में ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो उसके बाद क्या करना है आपको यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ गुड्स एंड द नंबर ऑफ बैड्स फॉर ईच बिन राइट यहां मैंने उसके लिए काउंटिव फंक्शन यूज किया

डब्ल्यू कंप्यूट करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है बट उसको इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए कि अगर आपके गुड्स ज्यादा तो तो है, है बैड से तो क्रेडिट स्कोर पॉजिटिव है अगर बैड्स ज्यादा है गुड्स से तो क्रेडिट स्कोर नेगेटिव है राइट right. देन आपने याद है शुरू में फिफ्टीन ट्वेंटी बिन बनाए थे सच दैट ईच बिन contains almost equal number of observations, equal frequency. यहाँ मैंने equal frequency use किया था. Now, step number five क्या है? Optimize the bins such that WOE is logical. Logical का मतलब क्या है? यहाँ पर जब मैंने WOE का plot बनाया, यहाँ जब मैंने WOE का plot बनाया, तो आपको plot में trend दिख रहा है. The trend is upwards, right? ज अपर्ड ट्रेंडिंग डब्ल्यू प्लॉट ना यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं जो डब्ल्यू का प्लॉट आना चाहिए ना वो लॉजिकल आना चाहिए तो आपको ऑप्टिमाइज करना है को इस तरीके से कि हमारा डब्ल्यू का ट्रेंड क्या हो लॉजिकल हो तो मैंने क्या किया मैंने ये क्यू आर एस एडीन यूज किया है और मैंने एक फंक्शन यूज किया है मोनोटॉनिक वो एंश्योर करता है कि मेरा डब्ल्यू ओ क्या हो लॉजिकल हो लॉजिकल का मतलब क्या है? पहले वो समझते हैं सपोज मैं एज को लेके चल रहा हूं जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वट डू थिंक प्रॉबिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हायर होना चाहिए या लोअर जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है प्रॉबिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हायर होना चाहिए या लोअर लोअर होना चाहिए क्यों लोअर होना चाहिए बिकॉज द हायर द एज द हायर द वेल्थ यू माइट हैव है राइट right. बहुत साल काम कर लिया होगा आपके पास अच्छा खासा वेल्थ होगा या जॉब स्टेबिलिटी होगी तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ लो होगा का मतलब क्या आपका डब्ल्यू का वैल्यू मतलब हाई होना चाहिए इसका मतलब इसका मतलब द ट्रेंड ऑफ डब्ल्यू फॉर एज शुड बी अपवर्ड्स डब्ल्यू शुड बी ट्रेंडिंग अपवर्ड्स फॉर एज बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट गिरेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट गिरेगा तो क्रेडिट स्कोर क्या होगा बढ़ेगा बढ़ेगा क्रेडिट स्कोर मतलब बढ़ेगा तो इसका मतलब द ट्रेंड ऑफ डब्ल्यू फॉर एज वेरिएबल शुड बी अपवर्ड्स अगर मेरे डेटा में वो अपवर्ड ट्रेंड नहीं है जैसे यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है डिप्स आ रहे जो कि नहीं होने चाहिए राइट right? लॉजिकली ऐसे डिप्स नहीं आने चाहिए हमारा ट्रेंड अपवर्ड होना चाहिए स्मूदली अपवर्ड होना चाहिए तो वैसा अगर नहीं है तो वो आपको क्रिएट करना है बाय ऑप्टिमाइजिंग द तो आपको को ऑप्टिमाइज करने पहले मैंने इक्वल फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट किया था बाद में मैंने बिन्स को ऑप्टिमाइज किया ना ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं इसको और कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे जब आने वाली क्लासेस में स्कोर कार्ड का पूरा कंसेप्ट समझेंगे राइट right? तो काफी बारी आपके बिन्स का ट्रेंड इज नॉट लॉजिकल बिकॉज ऑफ अ As loans. जो loans हो गए, उसके कारण आपको ऑकवर्ड तो ना फील हो जब मैं आगे उसको डिस्कस करूंगा राइट right? तो यहां मैंने किसी सॉफ्टवेयर से बिन्स को ऑप्टिमाइज कर लिया सच दैट देंड ऑफ डब्ल्यू शुड बी अपवर्ड वो होना चाहिए उसी तरह से अगर हम एडुकेशन को देखेंगे तो एडुकेशन में कुछ लॉजिकल बिन्स बने नहीं तो उसको इग्नोर करते हैं उसके आगे देखते हैं इम्प्लॉयमेंट इम्प्लॉयमेंट नंबर ऑफ इयर्स अगेन अगर आपको बहुत साल हो गए हैं काम करते हुए तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या होगा लोअर आपका क्रेडिट स्कोर क्या होगा हायर राइट right? तो आपका डब्ल्यू क्या होना चाहिए हायर द हायर द नंबर ऑफ इयर्स इन द जॉब द हायर द डब्ल्यू इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ इयर्स इंक्रीज होगा अगेन द ट्रेंड ऑफ डब्ल्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट शुड बी अपवर्ड्स तो यहां पर मेरा अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है ये पहले आ रहा था कि नहीं वो मैंने चेक नहीं किया मैंने सीधा क्या किया ऑप्टिमल बिन्स बनाए हैं सच दैट मेरा ट्रेंड जो आना चाहिए वैसा ही आ रहा है उसी तरह से देखते हैं नंबर ऑफ इयर्स एट एड्रेस एट करंट एड्रेस अगेन अगर कोई बहुत सालों से सेम एड्रेस पे रह रहा है तो इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी इज हाई राइट ऐसे बॉर पे मुझे ज्यादा ट्रस्ट होगा जो सेम एड्रेस पे बहुत सालों से रह रहा है एज कम्पेयर टू जो बारी बारी एड्रेस चेंज करता है तो अगेन द हायर द नंबर ऑफ इयर्स एट करंट एड्रेस द लोअर द पीडी द लोअर द पीडी मतलब द हायर द क्रेडिट स्कोर द हायर द क्रेडिट स्कोर मतलब द हायर द डब्ल्यू तो इसका मतलब ट्रेंड कैसा होना चाहिए अपवर्ड्स तो यहां पर ऑप्टिमल बिन्स क्रिएट करके मेरा ट्रेंड अपवर्ड आ रहा है राइट नेक्स्ट है आपका इनकम इनकम कभी स्कोर कार्ड में यूज नहीं करना चाहिए रेशो यूज करना चाहिए बिकॉज स्टैंड लोन एब्सोलूट लेवल पे इनकम कितना है वो मैटर नहीं करता आप इनकम से क्या कर रहे हो वो मैटर करता है तो रेशोज हमें यूज करना चाहिए तो मैं इसको एक बार इग्नोर कर रहा हूँ ठीक है मैं डेट टू इनकम रेशियो देख रहा हूँ तो डेट टू इनकम रेशो को हमने देखा अगेन यहां पर नाव लॉजिक क्या है जैसे जैसे डेट टू इनकम रेशो बढ़ेगा मतलब आपका डेट बहुत हाई है एज कंपेयर टू योर इनकम तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज हाई और लो हाई द हायर द डेट टू इनकम द हायर द प्रोबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हायर प्रोबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मतलब क्या लोअर क्रेडिट स्कोर लोअर क्रेडिट स्कोर मतलब क्या लोअर डब्ल्यू तो यहां पर लॉजिकली ट्रेंड क्या होना चाहिए डाउनवर्ड्स राइट द ट्रेंड फॉर डब्ल्यू शुड बी डाउनवर्ड्स डब्ल्यू ओई फॉर डेट इनकम रेशो डब्ल्यू ओई फॉर डेट इनकम रेशो शुड बी ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स और यहां पर जब मैंने ऑप्टीमल बिन क्रिएट किए तो मेरा डेट इनकम रेशो के लिए डब्ल्यू ओ इज ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स यही मैं बोलना चाह रहा हूं स्टेप्स में ऑप्टिमाइज द बिन्स सच दैट डब्ल्यू ओज लॉजिकल ठीक है उसी तरह से क्रेडिट कार्ड डेट अगर आपका क्रेडिट कार्ड डेट हाई है तो आपका प्रॉबिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हाई है, है? प्रॉबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हाई मतलब आपका क्रेडिट स्कोर लो आपका डब्ल्यू ओ लो तो यहां पर भी ट्रेंड नीचे की तरफ होना चाहिए जो कि आ रहा है आफ्टर क्रेडिंग ऑप्टीमल बेन्स राइट सिमिलरली अदर डेट अगर आपका अदर डेट हाई है तो आपका प्रॉब्लिटी ऑफ डिफॉल्ट हाई आपका क्रेडिट स्कोर लो क्रेडिट स्कोर लो मतलब आपका डब्ल्यू ओ लो तो डब्ल्यू ओ यहां पर लो हो रहा है एज वी आर इंक्रीजिंग द अदर डेट अमाउंट राइट तो आपको इस तरीके से बिन्स क्रिएट करने हैं कि आपका ट्रेंड लॉजिकल दिखे ये इतना इजी नहीं है जैसे मैंने आपको पांच मिनट में समझा दिया बहुत सारा मैनुअल वर्क भी यहाँ पे करना पड़ता है आपको इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ता है कि क्यों लॉजिकल नहीं आ रहा राइट उसके बाद आपको उसको मैनुअली ठीक भी करना पड़ता है राइट पहले आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि ट्रेंड क्या है क्या होना चाहिए लॉजिकली राइट ट्रेंड क्या होना चाहिए लॉजिकली देन आप चेक करोगे ट्रेंड वैसा क्यों नहीं आ रहा लॉजिकली राइट right. जो लॉजिकली ट्रेंड आना चाहिए वैसा क्यों नहीं आ रहा और अगर नहीं आ रहा तो कैसे ठीक करे कैसे bins को ऑप्टिमाइज करें सच दैटिकल ट्रेंड तो बहुत सारा वर्क होता है यहां पर सबसे मैक्सिमम टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं वाइल बिल्डिंग द स्कोर कार्ड इन ऑप्टिमाइजिंग द बिन्स बट यहां पर मैंने बिन्स क्रिएट कर लिए दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द फ्यूचर सेशन नाउ नेक्स्ट इज आपको क्या करना है शुरू में आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर रहे थे किसके साथ एक्स के साथ डायरेक्टली एक्स के साथ अब आपको डब्ल्यू ओ वैल्यूज के साथ रिग्रेस करना है तो मैं क्या करूंगा आई विल रिप्लेस एक्स विद डब्ल्यू वैल्यूज तो यहां मैंने क्या किया है नेक्स्ट शीट में मैंने सिंपल वी लुकअप फंक्शन लगा के राइट right, सपोज एक बॉरोवर है जिसका एज है ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट कौन से बिन में लाया करता है ट्वेंटी एट लाइज इन दिस बिन उसका डब्ल्यू का वैल्यू क्या है minus तो तो से रिप्लेस कर दिया राइट? एक है है जिसका years of employment है 7, तो 7 देखते हैं किस में लाई करता है इस बिन में लाई करता है यहां पर डब्ल्यू का वैल्यू कितना है मेरा पॉइंट वन टू थ्री तो मैंने रिप्लेस कर दिया विद पॉइंट वन टू थ्री तो आप क्या कर रहे हो रिप्लेस एक्स विद कॉरेस्पोंडिंग डब्ल्यू ओ वैल्यूज इसी को बोलते हैं डिस्क्रिटाइजेशन राइट मतलब आप क्या कर रहे हो आप एक्स जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज था अब उसको कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना बिकॉज जो मर्जी न्यूमेरिकल वैल्यू हो आपके पास अब जो वैल्यूज आएंगी आफ्टर रिप्लेसिंग विद डब्ल्यू ओ दैट विल बी अ लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रिटाइजेशन ऐसा आपको हर एक वेरिएबल के साथ करना है वो मैंने यहाँ पे कर दिया राइट right? उसके बाद लास्ट स्टेप आपका क्या है यू हैव टू परफॉर्म लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद WOEs एंड वाई तो जैसे आप पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन करते थे वैसे ही आपको अभी रिग्रेशन करना है पहले कैसे करते थे हम लोग सबसे पहले कुछ सीड वैल्यूज एज्यूम करेंगे बीटास के लिए तो यहां मैं कुछ सीड वैल्यूज एज्यूम करूंगा उसके बेसिस पे आई विल फाइंड आउट माई वाई वाई कैसे निकालेंगे बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स वन यहां पे X1 w, o, e यहां पे क्या क्या है है e का का तो ऐसे आपके पास y का वैल्यूज आ जाएगा ऐसे y का वैल्यूज आ जाएगा सिंस अभी तक हम लोग नॉर्मल रिग्रेशन की हैं तो y का वैल्यूज किसके और किसके बीच में लाए करेगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, जबकि मुझे वाई का वैल्यूज चाहिए बिटवीन जीरो टू वन तो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करता हूँ तो सिग्मोइड फंक्शन right? तो क्या था डिवाइड बाय वन प्लस या यान डिवाइड बाय वन प्लस माइनस वाई दोनों यूज कर सकते हो दोनों से आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा ना उसके बाद आप लाइकलीहुड निकालते हो लाइकलीहुड कैसे निकालते हो अगर एक्चुअल में डिफॉल्ट हुआ है तो मुझे प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है बिकॉज ये जो प्रोबेबिलिटी आता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है तो अगर एक्चुअल स्टेटस इज डिफॉल्टिंग आई टू मैक्सिमाइज अगरिटी ऑफ डिफॉल्ट अगर एक्चुअल स्टेटस नॉन डिफॉल्टिंग है तो मुझे प्रॉबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को मिनिमाइज करना है और आई कैन से वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को मैक्सिमाइज करना है ये मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था तो यहां मैंने क्या लिखा है

तो आपके पास फाइनल बीटा को आ जाएंगे एंड आपके पास फाइनल प्रॉबिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आ जाएगा फाइनल प्रॉबिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आ जाएगा आप सपोज आप एक कट ऑफ लेके चलते हो 40 परसेंट का कट ऑफ कैसे डिसाइड करते हैं वो भी हम लोग आ, जो नेक्स्ट सीरीज करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे स्कोर कार्ड जब डिटेल में हम लोग समझेंगे तो यहां पर सपोज मैं कट ऑफ लेके चल रहा हूँ 40 परसेंट का तो अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज ग्रेटर देन देन 40 द डिफॉल्टिंग स्टेटस इज वन अदरवाइज द डिफॉल्टिंग स्टेटस इज जीरो अगर प्रॉबिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज ग्रेटर देन फोर्टी परसेंट दैन द डिफॉल्टिंग स्टेटस इज वन अदरवाइज डिफॉल्टिंग स्टेटस इज जीरो राइट नाउ ये मेरा जो डिफॉल्ट स्टेटस आया ये आया विद डिस्क्रिटाइजेशन मैंने जब पीछे लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन किया था विदाउट डिस्क्रिटाइजेशन मैंने एक बारी उस रिजल्ट को भी यहां कॉपी कर लिया टू कंपेयर द रिजल्ट राइट अगर आप देखोगे मैंने यहां पर डिफॉल्ट स्टेटस निकाला है विद डिस्क्रिटाइजेशन एंड ये मेरा डिफॉल्ट स्टेटस है विदाउट डिस्क्रिटाइजेशन फिर मैंने एरर निकाला कि क्या डिफरेंस है दोनों में तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 901 में से सिर्फ चार रिकॉर्ड्स में डिफरेंट रिजल्ट आया है इसका मतलब द रिजल्ट इज मोर लेस सिमिलर रिजल्ट काफी सिमिलर है बट फिर भी हम लोग स्कोर में ये टेक्निक ही यूज करेंगे बिकॉज जो बैंक डेटा होता है ना वो बहुत मैसी होता है उसमें बहुत आउटलायर्स बहुत मिसिंग वैल्यूज तो ये जो डिस्क्रिटाइजेशन कंसेप्ट है ना ये ऑटोमेटिकली सारा मिसिंग वैल्यूज आउटलायर्स को हैंडल कर लेता है मतलब आपको अलग से डेटा प्रेपरेशन वो पूरा मेनटॉस नहीं करना पड़ता क्योंकि स्केलिंग हो गया आपका आउटलायर ट्रीटमेंट हो गया मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट हो गया वो ऑटोमेटिकली डब्ल्यू हैंडल कर लेगा बट यस ये में सबसे डिफिकल्ट स्टेप क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके वेरिएबल के लिए लॉजिकल ट्रेंड क्या है अगर आपके वेरिएबल में लॉजिकल ट्रेंड नहीं दिख रहा डेटा में तो उसके क्या रीजन है वो इन्वेस्टिगेट आपको करना है एंड देन आपको इस तरीके से बिन्स को एडजस्ट करना है Or using some इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है सच दैट आपको लॉजिकल ट्रेंड मिले एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन ट्रेंड ऑफ राइट हम डिस्कस करेंगे इन द कमिंग क्लासेस तो मेरा जो नेक्स्ट सीरीज चलने वाला है उसमें मैं स्कोर कार्ड्स पूरा समझाऊंगा उसमें मैं बहुत ब्यूटिफुल डिस्कशन करने वाला हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देने वाला हूँ विल बी अ मिक्स ऑफ थिरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सेशन तो उससे आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है ना तो पूरा एक हायर लेवल पे आ जाएगा आफ्टर डूइंग स्कोर कार्ड्स ठीक है तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने स्कोर कार्ड स्टार्ट करेंगे थैंक यू वेरी मच